सब्सक्राइब करें शिखास किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हमारा फुल फैट मिल्क होना चाहिए। जितना मलाई से भरपूर दूध होगा उतना अच्छा हमारा चीज़ बनकर तैयार होगा। सबसे पहले मैं ये दूध के दोनों पैकेट एक बड़े बर्तन में खाली कर रही हूँ, जिसे मैं हल्का सा गर्म करूँगी। हमें दूध को उबालना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें हल्का गर्म करना है। 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। आप घी, वनस्पति घी, कुछ भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक लिया है। 1 टेबल स्पून विनेगर ले रही हूँ। दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर का यूज़ करें, लेमन का यूज़ करें या दही का यूज़ करें, तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें लेना है। और जितनी ज़रूरत होगी हमें दूध को फाड़ने के लिए बस उतना ही डालना है। दूध हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून विनेगर धीरे धीरे करके डालूंगी, जितनी ज़रूरत है। जैसे ही हमारा दूध फट जाएगा हम विनेगर डालना बंद कर देंगे। ये देखिए पूरा 1 टेबल स्पून विनेगर लग गया है, उसके बाद ही हमारा दूध फटा है। तुरंत हमने गैस बंद करके ये काम किया है। दूध को हमें नहीं उबालना है, सिर्फ हल्का गर्म करना है। अब मैंने ये बर्तन नीचे रख लिया है और एक पतला सा कपड़ा बिछाया है। कोई सा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। मैंने एक छन्नी के ऊपर कपड़ा रखा है और उसमें जो हमारा पनीर, जो हमारा क्रीम, जो हमारा छेना तैयार हुआ है, उसे हम एक पोटली में लेंगे कपड़े की और खूब अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर इसका पानी निकालेंगे। 1 गिलास मैंने साफ पानी डाला है, ठंडा पानी डाला है, ताकि इसकी खटाई या जरा भी खटाई इसमें ना हो, इसलिए मैंने इसे साफ पानी से धोया है। और ये देखिए इस तरह से मैं इसका पूरा पानी निकाल रही हूँ। और इसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म पर इसे चपटा करके रख रही हूँ। और एक चौकी जो भारी है, संगमरमर की चौकी है, बहुत हैवी बर्तन, कुछ भी आप इसके ऊपर रख दीजिए ताकि इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पानी इसका निकल चुका है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब जो हमारा छेना तैयार हुआ है इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमें इसका चिकना पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी का डाल रही हूँ और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए बहुत ही चिकना पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब एक में कटोरे में इसे खाली कर रही हूँ और अब इसे मैं 2 घंटे के लिए इसे मैं फ्रीज में रखूंगी। 2 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा चीज़ कैसा बना। हाथों से मैं हल्का सा इसे थपथपा के लेवल में कर रही हूँ ताकि अच्छा गोल शेप आ जाए। एक क्लिंग रैप से इसे कवर करें, एल्यूमिनियम फॉइल से, किसी भी चीज़ से इसे ढाँक दें ताकि ऊपर की परत सूखने ना पाए। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 से 2.5 घंटे लगे हैं इसे सेट होने में। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा चाकू की मदद से मैं किनारे अलग कर रही हूँ ताकि ये चीज़ हमारा अच्छी तरह से निकल जाए। आप देख रहे होंगे इतना सुंदर हमारा चीज़ तैयार हुआ है। हम क्यों बाज़ार का चीज़ यूज़ करें इतने केमिकल वाला, ये हमने होममेड चीज़ तैयार किया है बिना केमिकल के। कोई भी चीज़ हमने इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपको इस चीज़ का यूज़ करना बता रही हूँ। आप पिज़्ज़ा में, पराठे में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। अभी मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये चीज़ को मैं आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ।
बहुत ही अच्छा चीज़ हमारा तैयार हुआ है। मैंने दो ब्रेड की स्लाइस ली है, उसमें केचप लगाया है, थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्ची, बारीक कटे टमाटर डाल रही हूँ और एक छोटा सा बारीक कटा हुआ मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इन सब्जियों में भी नमक आ जाए। ऑरिगेनो रखा है या आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है वो हल्का सा स्प्रिंकल करें ताकि टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको इसमें मोज़रेला चीज़ का यूज़ बता रही हूँ कि किस तरह से ये बेक होने के बाद अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में रखें, परंतु मैं आपको फ्राई पैन में बता रही हूँ। ये देखिए मैं चीज़ इसमें ग्रेट करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा हमारा चीज़ बना है। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें मैं ये ब्रेड की जो स्लाइस है जिसे मैंने तैयार किया वो रख रही हूँ और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि हमारा ऊपर का चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए आप देख रहे होंगे पूरा चीज़ हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, इसे खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि मैंने होममेड पिज़्ज़ा का यूज़ करके आपको बताया है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। बाज़ार में रिनेट करके एक आता है, केमिकल आता है, उसका यूज़ किया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों ना हम घर पर ही पिज़्ज़ा की ये जो मोज़रेला चीज़ है इसे हम घर पर ही तैयार करें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।